यहाँ पे टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि भारत का जो देशांतरी विस्तार है, अक्षांशी और देशांतरी विस्तार हमने दोनों समझे थे। तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो शुरू होता है कहां से कहां तक, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, यह भारत का पूर्वी विस्तार है। यदि हम दोनों के डिफरेंस को देखें तो डिफरेंस कितना आएगा, 29 डिग्री, ये पूरा डिफरेंस आप निकालेंगे जी, ये पूरा डिफरेंस, तो कितना डिफरेंस आएगा, 29 डिग्री 18 मिनट। ठीक है, डिफरेंस कितना है, देशांतरी डिफरेंस 29 डिग्री 18 मिनट का आता है। यदि हम भारत के अक्षांशी विस्तार की बात करें तो भारत का अक्षांशी विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, यानी इसका यदि डिफरेंस निकाला जाए इन दोनों का तो डिफरेंस क्या आएगा, 29 डिग्री 20 मिनट। ये दोनों आपको इक्वल नहीं लग रहे हैं, 29 डिग्री ये भी है, 29 डिग्री ये भी है, सिर्फ 2 डिग्री का कुछ फासला है, कोई बहुत बड़ा फासला नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यदि आप इनकी दूरी मापें, यहां से इस जगह इस पॉइंट का क्या नाम है, गौरमोता से लेकर किब्तु तक को नापें, तो आप पाएंगे कि जो भारत का पश्चिम से पूरब विस्तार है कितना है, पश्चिम से पूरब विस्तार कितना है, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, ये है आपका पश्चिम से पूरा विस्तार। और यदि उत्तर से दक्षिण के क्षेत्र को देखते हैं हम, उत्तर से दक्षिण का क्षेत्र का विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, ठीक है। अब ये इतना डिफरेंस कैसे आ गया, 29 डिग्री तो ये भी था, 29 डिग्री, अक्षांशी और देशांतरी विस्तार में तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन अक्षांशी और देशांतरी विस्तार में फर्क नहीं होने के बाद भी कैसे ये फर्क दिखाई दे गया, कितने किलोमीटर का फर्क है, इसे घटाइए, 3214 माइनस 2933 कितना है, 281 सही है, इतने किलोमीटर का डिफरेंस क्यों आया, क्या कारण है कि इतने का डिफरेंस आ गया, ठीक, किसी के पास इसका जवाब है, अक्षांशी और देशांतरी विस्तार में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसमें क्यों डिफरेंस है, इस पे कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए। फिर से हम अपने उसी पुराने टॉपिक पे चलते हैं, अक्षांश और देशांतर। मैंने आपको बताया था कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो वृत्तीय रूप में होती हैं, यह 0 डिग्री, इसके बाद ऊपर जाएंगे आप, यहां पर आपके आती है 90 डिग्री, ठीक है, यानी कि ऊपर जाने पे अक्षांश रेखाएं छोटी होती जाती हैं, ठीक है। लेकिन आप एक बात मुझे बताएं, क्या इनके बीच की दूरी कम हो रही है, जितनी दूरी इसमें है उतनी दूरी इसमें है, आपस में क्या बीच में दूरियां कम हो रही है, ये तो समानांतर है ना, ये समानांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं समानांतर रेखाएं, एक दूसरे के समानांतर, तो मतलब है एक रेखा दूसरी रेखा से कभी नहीं मिलेगी, वो समानांतर रेखा होती है, ठीक है, ये रेखा से कभी नहीं मिलेगी। तो अक्षांश रेखाएं कैसी रेखाएं, समानांतर, यानी कि उनमें समान अंतर है। लेकिन देशांतर रेखाओं की बात करें, इसके विपरीत यदि आप देशांतर रेखाओं में आए तो आप पाएंगे देशांतर रेखाएं नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाती है, ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। ये कैसी रेखा होती है, अर्धवृत्त होती है, ये वृत्त नहीं होती, अर्धवृत्त, आधा वृत्त होता है, कल मैंने पिछले लेक्चर में इसे समझाया था,
अब आप मुझे ये बताएं, क्या इनके बीच की दूरी यहां पर सर्वाधिक नहीं है? धीरे धीरे ऊपर जाने पे कम होती जा रही है ना। इसी तरीके से नीचे आने पर भी कम होती जा रही है, यानी एक जगह पे आकर सभी देशांतर रेखाएं मिल जाती है। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे सभी देशांतर रेखाएं एक जगह आकर के मिल जाती है। तो भारत में जो डिफरेंस अक्षांशी यानी ये वाला विस्तार, ये वाला जो एरिया है, ये कम क्यों है? क्योंकि जो अक्षांशी अक्षांश रेखाएं हैं, जो अक्षांश रेखाएं हैं, ये अक्षांश रेखाएं क्या हो गई हैं? आपस में आकर के नीचे जैसे जैसे हम जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं की दूरी घटती जाती है। ठीक है, तो अक्षांश रेखाओं की दूरी क्या हो गई है? कम हो गई। समझ रहे हैं? देशांतर रेखा, सॉरी, देशांतर रेखाओं की दूरी नीचे जाते जाते कम हो गई है, जिसके कारण से अक्षांशी और देशांतरी अंतर बराबर होने के बावजूद भी जो दूरी का अंतर है वो बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि देशांतर रेखाएं, क्योंकि इधर जो आप देखेंगे इस तरफ ये देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखाओं की दूरी नीचे कम होती जाती है, तो देशांतर रेखाओं की दूरी कम होने के कारण अक्षांशी और देशांतरीय अंतर बराबर होने के बावजूद भी दूरियों में अंतर रहता है। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, मैंने आपसे प्रश्न ये था कि भारत का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार इक्वल है, सेम है। ठीक है, 29.18, 29.20, कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। इसके बावजूद भी उत्तर से दक्षिण की दूरी 3214 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम की दूरी 2933 किलोमीटर क्यों है? क्या कारण है? उसका एक ही कारण है कि जो पश्चिम से पूरब की दूरी है 2933 किलोमीटर, ये दूरी जो है देशांतरी रेखाओं से निर्धारित होती है। क्योंकि देशांतरी रेखाओं की दूरी कम होती जाती है, ध्रुवों के पास सभी देशांतर रेखाएं एक बिंदु में जाकर सिकुड़ जाती है। सभी देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती है। ठीक है, तो यहां पर यही बात बताई गई है कि विषुवत रेखा में तो किसी भी देशांतर रेखा की दूरी सर्वाधिक होगी दो देशांतर रेखाओं की, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर की ओर बढ़ती जाती है उनकी दूरी कम होती जाती है। यहां पर भी देखिए, यहां पर जो देशांतर रेखाएं आ रही हैं वो नीचे जाकर उनकी दूरी कम होती जाएगी ना। क्या अक्षांश रेखाओं के साथ ऐसा हो रहा है? अक्षांश रेखाएं तो ऐसे चल रही है, अक्षांश रेखाओं की ये तो समानांतर है, लेकिन देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती है, इनकी दूरी नीचे ध्रुवों की ओर जाने पर घटती जाती है, जिसके कारण से पूरब से पश्चिम की दूरी, यानी पूरब की पश्चिम की दूरी कौन निर्धारित कर रहा है? देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं द्वारा पूरब से पश्चिम की दूरी निर्धारित होती है, उत्तर से दक्षिण की दूरी निर्धारित किससे होती है? अक्षांश रेखाओं के द्वारा। यदि मुझको, मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं और इस पॉइंट की दूरी मुझे ज्ञात करनी है, तो मुझे अक्षांश रेखाओं की दूरी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी ज्ञात करनी, मैं यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात कर लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा ये कितना दूर है। यानी दो अक्षांशों के बीच की दूरी ज्ञात कर लेने से मुझे उत्तर दक्षिण की जानकारी मिल जाती है। यदि मुझे पूरा पश्चिम की दूरी ज्ञात करनी है तो मैं यहां से यहां की दूरी ज्ञात कर लूंगा, मुझे पूरा पश्चिम ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो यानी पूरा पश्चिम की दूरी कौन निर्धारित करता है? देशांतर रेखाएं। उत्तर से दक्षिण की दूरी कौन निर्धारित करता है? अक्षांश रेखा। इसलिए भारत की अक्षांशीय अंतर, अक्षांशीय और देशांतरीय अंतर एक होने के बावजूद भी उनकी दूरियों में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है? दो देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी ध्रुवों की ओर घटती जाती है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी ध्रुवों की ओर घटती जाती है। ठीक है, यह कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके से ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे प्रश्न यूपीएससी में पूछा जा चुका है। तो यदि अब आगे इस तरीके का प्रश्न आएगा तो मुझे लगता है कि आप कर पाने में सक्षम होंगे।